हरियाणा के पिपली में आयोजित किसान रैली में जा रहे व्यापारियों और किसानों को फतेहाबाद पुलिस प्रशासन ने फतेहाबाद उकलाना मार्ग पर गांव सनियाना में नहर पुल पर हिरासत में ले लिया। गाड़ियों में सवार होकर फतेहाबाद के किसान और व्यापारी रैली में जा रहे थे और प्रशासन की तरफ से बिना अनुमति के व्यापारियों और किसानों को रैली में जाने से रोकने के आदेश दिए गए थे। इस पर पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सनियाना गाँव में पुल पर नाकेबंदी की हुई थी। किसान नेताओं ने मौके पर पुलिस अफसरों से काफी बहस की और पीपली रैली में जाने की रोक हटाने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने किसी भी किसान और व्यापारी को आगे नहीं जाने दिया, जिसके बाद मौके पर व्यापारियों और किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और किसान व्यापारी लगातार किसान मजदूर व्यापारी वर्ग के खिलाफ लाए गए 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन अध्यादेश को वापस नहीं ले रही है और ना ही किसानों की मांग पर कोई विचार कर रही है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार के इस तानाशाही रवैये का किसान और व्यापारी मिलकर मुकाबला करेंगे। मजदूर, किसान, व्यापारी सरकार की तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द 3 अध्यादेशों पर रोक लगाते हुए उन्हें वापस ले और किसान, मजदूर और व्यापारियों को राहत प्रदान करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान, व्यापारी और मजदूर बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, तानाशाही है। हरियाणा सरकार के जितने भी मुलाजम अधिकारियों ने सरकार से ऊपर आदेश थे और टोटली व्यापारी, किसान, मजदूर अपना एकता का परिचय देते हुए और सरकार का विरोधी अध्यादेश के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी थी पीपली जाने के लिए, हमारे को रास्ते में पुलिस प्रशासन ने आगे घेराव डाल के गिरफ्तार कर लिया है तमाम व्यापारी और यहाँ अधिकारियों को, सभी ने। किसी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ना दिया, सभी को वापस। देखिए, तमाम जितने व्यापारी, किसान यहाँ इकट्ठे हुए थे अनाज मंडी भुन्ना से, सभी दुकानें बंद है, पूरा व्यापारी रोष है और तमाम व्यापारी इकट्ठे हो गए। किसान और मजदूर हमारे जान लग रहे थे, रास्ते में प्रशासन ने घेराव डाल के हमारे सभी जितने भी किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, सभी को हिरासत में ले लिया। सरकार का नजरिया जो है, सरकार ने उत्पीड़न की कार्रवाई शुरू कर दी है व्यापारी, मजदूर और किसान के खिलाफ। सरकार का नजरिया गलत है। सरकार हमारे जो धंधे उनको उजाड़ना, तबाह करना चाह रही है और तमाम हरियाणा का किसान, मजदूर और व्यापारी आक्रोशित है और सरकार को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यह भी है, अभी हम प्रदेश सत्र के जो हमारे नेता हैं, चाहे वो कर्मचारी व्यापारी नेता हैं, मजदूर नेता हैं, किसान नेता हैं, उनसे हम मीटिंग करेंगे और अगर सरकार ने इसी तरह कोई नरमी ना बरती तो हम असहयोग का रास्ता अपनाएंगे। अभी जीरी का जो है सीजन आया हुआ है और हम इसमें सरकार का कतई सहयोग नहीं करेंगे। हमारी सेलर एसोसिएशन ने फैसला ले लिया है कि हम जो है मिलिंग नहीं करेंगे धान की। सरकार घुटने पे आ जाएगी, सरकार को सॉरी फील करनी पड़ेगी जो हमारे साथ आज बर्ताव किया है और आने वाले समय में ये अध्यादेश भी वापिस लेने पड़ेंगे और MSP खरीद की गारंटी यहाँ के किसान को, व्यापारी को, सरकार को देनी पड़ेगी।